कोरोना काल को लेकर लंबे समय से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों में छात्रों की वापसी के साथ ही वापस रौनक लौट आया है। अलग अलग विद्यालयों में प्रवेशोत्सव के बाद अब सत्र के आगाज की बारी है। बुधवार को इसी सिलसिले में राजधानी पटना के प्रसिद्ध स्कूलों में से एक आचार्य सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल में नए सत्र का शुभारंभ हुआ, जिससे खुद आचार्य सुदर्शन जी महाराज भी उपस्थित रहे। विद्यालय के संरक्षक आचार्य सुदर्शन ने नए सत्र के शुभारंभ के मौके पर कहा कि नए सत्र में नई ऊर्जा और नए परिधान में सभी शिक्षक तैयार हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 12 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से भी विद्यालय में उपस्थित रहने और नई शैक्षणिक परिकल्पना के सपने को साकार करने की अपील की। आचार्य सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल, जो बिहार का सर्वोत्तम विद्यालय है, उनकी ओर से आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। समस्त माता पिता का अभिनंदन कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद पटना सेंट्रल स्कूल अपने नए सत्र में प्रवेश कर रहा है। हमारी परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट हो रहा है। 12 अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू होगा। हम तमाम अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि आप 12 तारीख को आकर अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश कराएं। विलंब करने से आपका नुकसान होगा। हमारे शिक्षक सारे बच्चों का अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे हैं। सारे टीचर को आप देखें, आपको चित्र में दिखेगा, सारे टीचर नए परिधान में, नए वेशभूषा में, नई आकृति लेकर, नया अनुभव लेकर, नई दृष्टि लेकर, नई शिक्षा नीति लेकर आपके बच्चों का अभिनंदन करने के लिए तैयार है। कभी समय था जब हमारे शिक्षक छड़ी लेकर क्लास में जाया करते थे, आज हमारे शिक्षक गुलाब का फूल लेकर क्लास में जा रहे हैं। बच्चों को मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं, खेलो। नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को क्लास के अंदर नहीं, बाहर निकालो, खिलाओ, मैदान में ले जाओ, खेतों से परिचय कराओ, गन्ना के खेत, गेहूं का खेत, इनसे परिचय कराओ। नई शिक्षा नीति का यही निर्देश है। इसी दृष्टि से हम तमाम लोगों ने निर्णय किया कि नए आलोक में, नई दृष्टि लेकर नए शिक्षा सत्र में प्रवेश करें, ताकि आपके बच्चों को नई दृष्टि दी जा सके। बच्चे हमारे लिए परमात्मा के स्वरूप हैं, हम उसका अभिनंदन करना चाहते हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है हम लोगों के ऊपर, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे बच्चों पर बना रहे, हमारे शिक्षकों पर बना रहे, उनके माता पिता पर बना रहे। तो आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि 12 तारीख 12 अप्रैल से पहले आप विद्यालय में आए और उसका रजिस्ट्रेशन, जो प्रमोशन हो रहा है, उसका मार्कशीट ले लें, अगली कक्षा के लिए अनुमति पत्र ले लें और 12 तारीख से पढ़ाई को शुरू करने दे। मेरी मंगल कामना तमाम अभिभावकों को और बच्चों को है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गार्मेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गार्मेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।